गंगोत्री देवी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्र सेवा योजना के सप्त दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन रविवार को महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। रैली महाविद्यालय परिसर से मलिन बस्ती होते हुए महाविद्यालय परिसर पर आकर समाप्त हुई। साथ ही स्वयं सेविकाओं ने मास्क सैनिटाइजर के साथ मानव श्रृंखला का निर्माण किया। इस संबंध में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी ने बताया कि मानव श्रृंखला बनाने का उद्देश्य यह था कि कोई भी श्रृंखला टूटे ना, अतः कोरोना से बचने के लिए सभी उपायों को अपनाना होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सहायक दमयंती मिश्रा, अनिल पांडे सहित अन्य छात्राएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी ने कहा, प्रियंका त्रिपाठी, मैं आज महाविद्यालय की उप प्राचार्य हूँ और कार्यक्रम अधिकारी हूँ राष्ट्रीय सेवा योजना की। हाँ, आज जागरूकता रैली निकाली गई है, कोरोना पर जागरूकता रैली, क्योंकि अब जो सेकंड स्टैंड आया है कोरोना का, उसमें कोई जागरूकता नहीं रह गई लोगों के बीच में। लोग झेल रहे हैं क्योंकि लोग ये समझते थे कि कोरोना चला गया है, लेकिन मेरा लोगों को यही मतलब मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि लोग जो हैं कोरोना से बचाव के अभी भी पालन करें, और यही बच्चे जो है आज रैली निकाले हैं इसी के उद्देश्य से। ये रैली कहाँ से कहाँ लगी हुई? ये रैली अभी महाविद्यालय कैंपस, गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय कैंपस से लेकर मलिन बस्ती और अलदादपुर तक निकल जाएगी। हाँ, मानव श्रृंखला बच्चों से बनवाई गई थी। बच्चों का ही कॉन्सेप्ट था ये कि मानव श्रृंखला बनाने का, क्योंकि जो एक भी कड़ी हमसे मिस नहीं होनी चाहिए कोरोना से बचाव में, तो सारे चीज़ों का पालन करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, मास्क लगाएं और दो गज की दूरी रखें, तो कंफर्म है कि आपको कोरोना नहीं होगा।